हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके हुबली जोन का नोटिस आ चुका है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पहले बताया जा रहा था कि हुबली जोन की डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपका नोटिस आ चुका है, 6 तारीख और 11 तारीख को आपके पेपर है। दोस्तों, डेट आपको क्लियर है, टारगेट आपके सामने क्लियर है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको एक सिंपल सा वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको अब क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जिससे आप 100% अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओ। फ्रेंड्स, मैं खुद एग्ज़ाम दे के आया हूँ, उस भी आप से मैं बात कर सकता हूँ। दोस्तों, आपको सिर्फ दो काम करने हैं। पहला काम है आपको एनालाइज, दोस्तों जो डेली एनालाइज हो रहा है वो देखना है। फ्रेंड्स, जो लाइव एनालाइज चलते हैं एग्ज़ाम सेंटर से वो आपको नहीं देखना है। आपको जो एनालाइज में जो क्वेश्चन की PDF प्रोवाइड कराते बहुत सारे चैनल, उस PDF को पढ़ना है। और दोस्तों, उनसे आपको अनुमान लगाना है कि किस टॉपिक से रेंडमली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि टॉपिक से रिपीट हो रहे क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी तक लेकर। और दोस्तों, इसके अलावा आपको एक काम और करना है, आपने जो अभी तक नोट्स बना रखे हैं तो फ्रेंड्स उस नोट्स को भी साथ साथ रिवाइज करते चलना है। तो फ्रेंड्स, कितना भी कठिन पेपर आओ, आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। दोस्तों, 4-5 क्वेश्चन वैसे भी ऐसे बेसिक आएंगे जो कि आपको नोट्स वगैरह में नहीं मिलेंगे, वो ऐसे ही बन जाएंगे, आपको जो बेसिक नेचुरल प्रकृति की जो नॉलेज है उससे बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ नोट्स पढ़ना है और एनालाइज देखते रहना है। दोस्तों, ये दोनों काम अगर आप करते हो अच्छे ढंग से, एनालाइज करना है, इसमें जो टॉपिक निकालना है फ्रेंड्स आपको उन टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। जैसे मैं कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ, आपको पता है लगातार लाइट चैप्टर के कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से क्वेश्चन लगभग हर बार रिपीट हो रहे फ्रेंड्स, शुरू से लेके अभी तक रिपीट हो रहे। दोस्तों, शास्त्रीय भाषा से हो रहे, ऐसे कुछ टॉपिक है जो अभी तक रिपीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इनको पढ़ना है। कैसा लगा दोस्तों वीडियो? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।